राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमिका के पति को देखकर प्रेमी ने बिल्डिंग की पांचवी मंजिल से छलांग लगा दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं प्रेमिका और उसका पति घटना के बाद से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि विवाहिता की एक बेटी भी है, वह प्रेमी के साथ ही रह रही थी। मामला जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके का है। यहाँ रिया अपार्टमेंट में आजम उर्फ मोहसिन नाम का एक शख्स अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। मोहसिन कुछ समय पहले उत्तराखंड से एक विवाहिता को भगाकर जयपुर लाया था। इसके बाद वह प्रताप नगर के रिया अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रह रहा था। इसी बीच विवाहिता के पति को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मोहसिन के जयपुर में रहने की खबर लग गई। विवाहिता का पति खोजबीन करते हुए रिया अपार्टमेंट तक पहुंच गया। वहां वह अपार्टमेंट के गार्ड से पूछकर पांचवी मंजिल स्थित फ्लैट तक पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका के पति ने जब फ्लैट की डोरबेल बजाई तो प्रेमी मोहसिन को उसके आने की भलक लग गई। मोहसिन ने आनन फानन में अपने फ्लैट के पीछे की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद विवाहिता प्रेमिका अपने प्रेमी मोहसिन को अस्पताल लेकर गई। वहां 14 दिसंबर की रात को प्रेमी मोहसिन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी मोहसिन के छलांग लगाने की सूचना मिलते ही पति भी मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान मोहसिन की मौत होने के बाद प्रताप नगर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद मृतक मोहसिन के शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने अज्ञात कारणों से मौत होने का हवाला दिया है। तो वहीं अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।